नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं शिवसेना और कांग्रेस के बीच जो लगातार कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर कृषि बिल पर कांग्रेस की पूरी गतिविधि को देखकर सामना के लेख में इस बात का जिक्र था कि कैसे जो है वो कांग्रेस एक एनजीओ की तरह काम करती है, राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं दिखती है। जिस तरह से उन्हें बार बार प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि कांग्रेस का अब भी भविष्य वही है, इतनी सारी हार दिलाने के बाद लगातार कांग्रेस गर्त में जा रही है, लेकिन राहुल गांधी पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है। बल्कि अब दोबारा जब बैठक होती है G23 जिसको नाम दिया गया था, नाम सुनकर लगता है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश जो है शामिल होंगे, लेकिन ये वो G23 था जिस पर कांग्रेस के ही वो नेता जिन्होंने एक विरोध की चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी के नाम और कुछ शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की बात कही थी, वो उन्हीं से मुलाकात थी। और उनके साथ जब मुलाकात हुई तो ऐसा लगा कि शायद इसमें से कुछ ऐसा निकल कर आएगा जो कांग्रेस के लिए फ्रूटफुल होगा, फलदायी होगा भविष्य के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। क्योंकि इसके बाद भी जो चर्चा हुई वो इसी बात की हुई कि क्या राहुल गांधी की ताजपोशी एक बार फिर से होगी बतौर कांग्रेस अध्यक्ष। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर जो है सामना ने अपने लेख में जिक्र किया हुआ था। अब जो है पूर्व सीएम जो अशोक चव्हाण, उन्होंने निश्चित तौर पर इसको लेकर के शिवसेना पर बरसते हुए कहा है कि पार्टी को यूपीए का हिस्सा नहीं है और यूपीए के नेतृत्व के बारे में कांग्रेस को सलाह ना दे। तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इसका वो हिस्सा नहीं है, और अगर हिस्सा नहीं है तो आप सिर्फ अपने मुद्दों पर ध्यान दीजिए, यूपीए के मुद्दों पर दखल अंदाजी ना करें। लेकिन हालांकि महाअघाड़ी जो गठबंधन है उसको लेकर के उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से खुद को पीछे ही रखा, इसके बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं बोला। सामना में प्रकाशित जो लेख हुआ था उसमें मैं आपको बता दूं कि यूपीए एक एनजीओ की तरह काम कर रही है, ये लिखा हुआ था। कृषि कानूनों पर कांग्रेस के रवैये पर सामना में सवाल उठाते हुए लिखा गया कि किसान आंदोलन पर कांग्रेस और यूपीए मोदी सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम रहे, जिसके बाद ये सारी की सारी पॉलिटिकल टिप्पणियां जो है वो शुरू हुई। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।